शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये साड़ी में ना बिल्कुल अप्सरा लग रही है। अच्छा छोड़ो, अब मम्मा बुला रही है ब्रेकफास्ट में। अरे तुम भी कहाँ ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह अपनी बीवी को प्यार करने में जो मजा है ना वो ब्रेकफास्ट में नहीं है। कुछ ज्यादा मस्ती हो तुम्हारी। मस्ती तुमने अभी देखी कहाँ है। ओहो मोहित, तुम भी ना समझते नहीं हो। अरे यार क्या समझूं, तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। निशा आ जाओ बेटा, आओ बेटा बैठ। वाह वाह पराठे। मोहित जी, कल आधी रात आप कहाँ जा रहे थे? अरे आपने जवाब नहीं दिया मोहित जी, कल शादी की पहली रात आप निशा को छोड़ के कहाँ चले गए थे? दरअसल कल रात बुआ जी को हार्ट अटैक आया था और मैं उन्हीं को देखने के लिए आधी रात को हॉस्पिटल गया था। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया कि नहीं? निशा पहले इतना कुछ हो चुका है, मतलब शादी में पहले मेरे ऊपर गोली चली, अब बुआ जी को हार्ट अटैक आ गया। मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप हॉस्पिटल चला गया। कोई बात नहीं बेटा, हम सब अभी चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ मुझे भी आपकी बुआ से मिलना है, भगवान करे उनकी तबीयत ठीक हो। मम्मी जी पुनः बुआ जी यहाँ नहीं है। मतलब
मतलब ये कि उन्हें हार्ट ब्लॉकेज था, तो डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर रेफर किया है। वो आज सुबह ही इंडिया के बाहर गई हैं और जैसे ही वापस आएंगी आप लोगों से मिलने आएंगी। वो इंडिया से बाहर कहाँ गई हैं मोहित जी? दुबई, स्पेन, अमेरिका, आपको तो आपकी बुआ जी बता के गई होंगी ना? नहीं? हाँ वो क्या है भाभी, एक तो पहले से ही मोहित परेशान है, ऊपर से आप उनसे सवाल पर सवाल किए जा रही हैं। मोहित तुम टेंशन मत लो, बुआ जी एकदम ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, अब तुम नाश्ता कर लो। जी माँ जी। यार चाबी तो बुढ़िया ने यही रखी, तो कहीं कहाँ? माजी कहाँ है? लगता कमरे में है। माजी कमरे में भी नहीं है, शायद कहीं बाहर गई होंगी। अरे ये बिस्तर भी खराब पड़ा होगा, खैर मैं ही सही कर देती हूँ। अरे ये कैसे गिर गया? अच्छा हवा चली होगी इसीलिए, खैर मैं ही उठा के रख देती हूँ। अरे रेनू जल्दी करो, देर हो रही है। अरे मैं माँ जी को बताने आई थी कि हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, इसीलिए तो मैं भी आया हूँ, पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। हाँ हाँ चलिए। बच गया यार। मना करने के बावजूद भी तूने फोन क्यों किया मुझे? साहब मजबूरी में फोन करना पड़ा। वो क्या है ना, घर में कुछ कौड़ी नहीं है, थोड़ा पैसा दे दो ना साहब। हिम्मत कैसे हुई पैसे मांगने की? चाचा जी देखिए, अगर मैं अपने ससुराल में बैठा हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर पड़ गया। मैंने सिर्फ अपनी सासू माँ की बात का मान रखा है, और वैसे भी ना मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। जितनी भी जायदाद है ना, उसका मैं इकलौता वारिस हूँ, और आप मेरे से मेरा हक नहीं छीन सकते, ठीक है? मोहित सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। अरे चाचा जी का कॉल था, वही धमकी दे रहे थे कि सारी जायदाद मैं उनके नाम कर दूँ, पर मैंने भी कह दिया अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी बीवी है, और जो कुछ मेरा है ना उस पर सिर्फ मेरी बीवी का अधिकार है। पर मोहित मुझे ऐसा लगता है इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, क्यों ना हम चाचा जी से एक बार मिलके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लें? अरे नहीं नहीं, तुम चाचा जी को नहीं जानती हो, अरे बहुत डेंजरस आदमी है। अरे मुझे अपनी नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, बस एक बार सब ठीक हो जाए फिर हम यहाँ से अपने घर जाएंगे। वैसे ड्रेस में तुम बड़ी हॉट लग रही हो।
अच्छा, वैसे आज तारीफ से काम नहीं चलेगा पति देव, आज आपको अपनी बीवी को जी भर के प्यार भी करना होगा। अच्छा। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।